और पीछे भी मैं ये पहले लिखा हुआ दिखा देता हूँ, अयोध्या से केदारनाथ पैदल यात्रा। और अभी हम यूपी में हैं तो काफी ज्यादा हीटिंग है, आपके सामने है, देख रहे हो माथे पे पसीना चल रहा है। वो बहुत ही ज्यादा दिक्कत जब होती है जब लोगों का सपोर्ट भी नहीं मिलता है और उसके बावजूद लोगों का रिएक्शन थोड़ा गलत होता है। उनको दिखा ना कि लड़का जो है हीरा है, बस इसको सपोर्ट करने की जरूरत है। उसके बाद फिर हमारा यात्रा अयोध्या से ही स्टार्ट हुआ केदारनाथ बाबा का। अच्छा, तो 10 मई को कपाट खुलेंगे केदारनाथ के, उससे पहले 60 डेज का हमारा टारगेट है केदारनाथ बाबा का दर्शन करने का। जिस उम्र में लोगों को ये नहीं पता होता है कि इंटर के बाद कौन सा सब्जेक्ट चुनना है, लेकिन इन दो युवाओं ने इसी उम्र में एक ऐसा इतिहास रच दिया है जो भारत को कहीं ना कहीं गौरवान्वित करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सनातन टाइम्स, मैं हूं अभिषेक शर्मा आपके साथ। और मेरे साथ ये जो दो युवा हैं, इनके बारे में, इनकी खासियत जब आप जानेंगे तो आप भी दांतों तले उंगली दबा लेंगे, जैसा कि मुहावरा आपने अक्सर सुना होगा। जिस उम्र में लोगों को ये नहीं पता होता है कि इंटर के बाद कौन सा सब्जेक्ट चुनना है, किस फील्ड में जाना है, या फिर तमाम समस्याएं उनके दिल में रहती हैं, बहुत सारे उतार चढ़ाव जीवन में वो देखते हैं और कई बार फेल हो जाते हैं, कई बार सफल हो जाते हैं, लेकिन इन दो युवाओं ने इसी उम्र में एक ऐसा इतिहास रच दिया है जो भारत को कहीं ना कहीं गौरवान्वित करता है और लोगों का सीना चौड़ा हो जाता है जब ये जानते हैं कि ये भारतीय है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सनातन टाइम्स पे। क्या नाम है, थोड़ा सा अपना परिचय आप दीजिए, उसके बाद आगे की बातचीत और क्या कुछ आप खास कर रहे हैं भारत के लिए वो हम आपसे जानेंगे। सबसे पहले सभी देखने वाले दर्शकों को और भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म वालों को तो बहुत ही हार्दिक दिल से जय श्री राम, हर हर महादेव। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि हमने साइकिल से 21 स्टेट किया है कंप्लीट। अच्छा, साइकिल से 21 स्टेट की आपने यात्रा की है? जी, साइकिल से हमने 21 स्टेट कंप्लीट किया, भाई ने भी सेम लगभग। और हमने अभी तक 3000 प्लस किलोमीटर पैदल यात्रा किया 6 स्टेट। ओके, जो अभी रिसेंटली 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन था तो भाई के साथ हमने आसाम से पैदल यात्रा किया अयोध्या तक। और फिर उसके बाद अयोध्या से काशी विश्वनाथ की पैदल यात्रा हमारी दोनों संपन्न हुई। उसके बाद फिर हमारा यात्रा अयोध्या से ही स्टार्ट हुआ केदारनाथ बाबा का। अच्छा, तो 10 मई को कपाट खुलेंगे केदारनाथ के, उससे पहले 60 डेज का हमारा टारगेट है केदारनाथ बाबा का दर्शन करने का और चार धाम का दर्शन करने का। ये बताइए पहले कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और ये पैदल यात्रा, साइकिल यात्रा किस लिए? ये आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि आज के जनरेशन में जिस तरह से, एक तो सबसे पहली बात यह है कि हमारे आज के टाइम में लोगों का जो क्रेज है, लोगों का जो नज़रिया है, वो अपने धर्म के प्रति काफ़ी बढ़ चुका है। ओके, ठीक है, बहुत सही बात। और दूसरी बात यह है कि हमारा जो शुरू से इंटरेस्ट है वो हमारा जो सब्जेक्ट था उस ज्योग्राफी था, उस ज्योग्राफी से बहुत ज़्यादा मैं प्रभावित हूँ। मैंने सोचा क्यों ना अपना देश देखा जाए, अपना देश भ्रमण किया जाए, बहुत अच्छी अच्छी जगह हैं। हमारे हिंदू सनातन धर्म के बहुत सारे ऐसे स्थल हैं जहाँ पर लोगों को पहुँचना भी मुश्किल होता है। हमने सोचा क्यों ना हम इस चीज़ को देखें, लेकिन इसके पीछे जो एक और सबसे बड़ी समस्या होती है वो होती है आर्थिक समस्या। तो सभी लोग सोचते हैं आज के टाइम में सबको घूमना अच्छा लगता है, लेकिन जो पैसे की समस्या होती है वो सबसे बड़ी समस्या होती है। इसलिए हमने ये पैदल यात्रा किया है, इससे पहले हमने साइकिल यात्रा किया था, वो भी क्योंकि हमारे पास इतना अमाउंट नहीं होता है कि हम बाय रोड, बाय ट्रेन या बाय सी ट्रेवल कर सके, बस या कार या ट्रेन का किराया दे सके, वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होता है। इसलिए हम साइकिल और पैदल से यात्रा कर रहे हैं। इससे पहले हमारा एक मोटिव था जब हम साइकिल से चल रहे थे, सेफ इन्वायरमेंट, सेफ पर्यावरण। काफ़ी ज़्यादा हमने इसमें पुलिस के साथ और काफ़ी एनजीओ के साथ हमने काफ़ी ज़्यादा कंबाइन किया है, लोगों को जागरूक भी किया है। 21 स्टेटों में हमने जाके जहाँ पे पेड़ पौधे नहीं थे वहाँ पे अपनी तरफ से जो भी हो सका हमने वृक्षारोपण भी किया। एज क्या होगी अभी आपकी? जी, हमारी 27 प्लस है। ओके जी, और 27 साल की उम्र में इस तरह का आप कारनामा कर रहे हैं, परिवार वालों का क्या रिस्पांस है, घर में कौन कौन है? जी, वैसे तो मेरा नाम अजय मिश्रा है, मैं गोंडा डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ, मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ और हमने इससे पहले जॉब भी किया है, प्राइवेट जॉब, और बहुत सारी चीज़ें हमने इससे पहले किया है जो मैं उस चीज़ को अब इग्नोर कर रहा हूँ। अच्छा, जिसमें अच्छे भी थे बुरे भी थे, पर मैं अब रिसेंटली एक नए सिरे से लोगों के सामने एक ऐसा प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि जो हमारी तरफ से उन्हें मोटिव मिले।
अच्छा, कुछ करने की। आज के जो युवा जनरेशन है नशे में काफी ज्यादा डूब रहे हैं, तो उस पर्पस को लेके भी हम अगर एक भक्ति की लाइन में और ट्रेवलिंग की लाइन में पैदल चल गए। युवा जोश जो है उसका सही जगह इस्तेमाल, सही जगह ना कि गलत जगह। जी 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 बिल्कुल। परिवार वालों का क्या सपोर्ट है इसमें? जी ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि हम जहाँ भी कहीं लोगों से मुखातिब होते हैं तो लोग हमसे ये पूछते हैं कि आपके फैमिली वाले इस चीज़ को लेके क्या रिएक्ट करते हैं, और क्या आपको परमिशन देते हैं नहीं देते। तो परमिशन की जहाँ तक बात है, कोई भी घर वाला किसी के भी फैमिली वाले हों, पैदल या साइकिल से ट्रेवल करना कोई नहीं चाहता। बिल्कुल, और आसान भी नहीं है। आसान भी नहीं, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है। जिन जिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है वो तो आप लोग भी ट्रैवल कर रहे हैं, आपको भी पता होगा। बिल्कुल, इसलिए कि कोई भी फैमिली नहीं जाने देती है। लेकिन जब आप किसी चीज़ का दृढ़ निश्चय कर लेते हैं तो उसमें आपको कोई रोक नहीं सकता। फिलहाल मेरे भी पिताजी पहले इस चीज़ से एग्री नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे जब मैंने इस चीज़ को अपना निश्चय कर लिया, होता है ना, बना लिया, करके दिखाते भी हैं तो लोग, परिवार वाले भी हो तो सपोर्ट करते हैं। तो वही मेन चीज है जो आपकी बात को मैं कह रहा हूँ कि जब हमने स्टार्ट किया था उस टाइम बहुत ही ज्यादा हमारे ऊपर प्रेशर था, घर वालों का भी बाहर वालों का भी, कि क्या कर रहे हो, आज क्या कर रहे हो, इसमें क्या आपका फ्यूचर है, नहीं ये करने की उम्र आपकी नहीं है। पर उन सब चीजों को मैं इग्नोर करता चला गया और मैं अपने दृढ़ निश्चय के साथ बाबा केदारनाथ के दर्शन किया अयोध्या से बाई साइकिल, और उसके बाद 21 स्टेट हमने कवर किया साइकिल से। उसके बाद हमारी यात्रा आसाम से जब राम मंदिर का उद्घाटन उस टाइम ने शुरू किया, जब हमने 2-3 महीने क्रॉस किया तो फिर हमारे फैमिली वाले भी हमको सपोर्ट करने लगे। उनको दिखा ना कि लड़का जो है हीरा है, बस इसको सपोर्ट करने की जरूरत। ये तो आपका प्यार है जो हीरा कह रहे हो, बाकी हम लोग तो मिट्टी है। मिट्टी तो सभी है, उस मिट्टी में भी कोई कोई हीरा है। तो ये बताइए, अच्छा कि आप चलते हैं रास्तों पर, लंबी दूरी तय करते हैं, बीच बीच में लोग भी मिलते होंगे हम जैसे, तो लोगों का क्या रिस्पांस रहता है? हाँ सर, देखो, और यात्रा आपकी कैसे बीतती है ये तो जो ट्रेवल कर रहा है वही बता सकता है, बाकी हम बताएंगे तो आपको फीलिंग नहीं आएगी। अगर आपको फीलिंग लेना है तो कम से कम 10-15 किलोमीटर कोई भी पैदल यात्रा कर, पैदल चल के देखेगा, उसे महसूस हो जाएगा। फिर भी हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को बताइए, हो सकता है कि वो कुछ तो महसूस कर पाए कि हाँ वाकई में अगर कोई हजारों किलोमीटर की यात्रा पैदल करता है तो उसके लिए कितना कठिन रास्ता होता है और उसके मैसेज को समझना कितना ज्यादा जरूरी है। सबसे पहली चीज तो मैं बताऊंगा आपको और आपके सभी देखने वालों को कि अगर कोई भी काम ऐसा दुनिया में नहीं है जो मनुष्य नहीं कर सकता। बिल्कुल, आपके अंदर संकल्प होना चाहिए, दृढ़ निश्चय होना चाहिए, और उस निश्चय को लेके आप जब संकल्प बना लेंगे तो कोई भी चीज हो इस दुनिया पे, इस पृथ्वी पे, वो मनुष्य कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है। तो उसी चीज को हम लोग भी आगे कर रहे हैं। और जहां तक बात रही परेशानियों की, लोगों के रिएक्शन की, तो आप फैमिली में भी हमारे गलत इंटेंशन होती है, गलत तरीके से बिहेव होता है, और ये तो पब्लिकली हम चल रहे हैं बांध रोड, तो हजारों तरह के लोग मिलते हैं, हजारों तरह की बातें होती है, कोई अच्छा बोलता है कोई बुरा बोलता है, बट लोगों का रिएक्शन 90% लोग अच्छे ही बोलते हैं और अच्छा रिस्पेक्ट करते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। लोग जगह जगह इन्वाइट करते हैं हम लोगों को, प्यार देते हैं, काफी अच्छा लगता है। अच्छा, खाने पीने का क्या बंदोबस्त हो पाता है भाई रास्ते में चल रहे हैं? एक तो गर्मी का समय बहुत तेज, इस समय गर्मी बढ़ती चली जा रही है, हालांकि अभी ये मार्च का आखिरी दिन है, लेकिन गर्मी ऐसे लग रही है कि मई जून की गर्मी हो। तो गर्मी का मौसम, पैदल चलना रास्तों पर, कैसे खाने पीने का क्या इंतजाम हो पाता है? खाने पीने का तो देखो लोग हेल्प करते रहते हैं, काफी हेल्पफुल लोग हैं। अगर मैं यूपी को थोड़ा, कुछ जिलों को छोड़ दूं तो काफी ज्यादा अच्छा रिस्पांस रहता है, लोग काफी सपोर्ट करते हैं। और जहाँ क्यों छोड़ दूं? जी ये हमारा लोकल है, मैं भी यूपी से हूँ, गोंडा से, नियर बाय अयोध्या। तो अभी क्या है ना कि यहाँ पे लोग थोड़ा सा संकोच करते हैं किसी को आगे आके मिलने में या बात करने में, हेल्प करने में जी संकोच करते हैं। बाकी हम अपना स्टेट कुछ ही थोड़ा सा छोड़ देते हैं लोकल एरिया, तो बहुत ही अच्छा रिस्पांस होता है, लोग बहुत प्यार देते हैं। खाने पीने की बात होती है तो ज्यादातर हम मंदिर पे रुकते हैं, या अगर मंदिर का ऑप्शन नहीं है तो बाई चांस हम होटल ढाबा पे रुक जाते हैं। होटल पे तो कभी वैसे रूम वगैरह नहीं लेते, हमारे पास जी थोड़ी बहुत मिल, हमारे साथ सारी व्यवस्था है, हम कैंपिंग करते हैं। लेकर के निकले हैं? अच्छा, जी हमारे साथ ये गद्दा है, बाकी हमारे, और पीछे भी मैं ये पहले लिखा हुआ दिखा देता हूँ, अयोध्या से केदारनाथ पैदल यात्रा। बाकी ये सोशल मीडिया का थोड़ा सा प्रमोशन है भैया का, कि किस तरह से ये सोशल मीडिया पर भी अवेलेबल है। बहुत ही शानदार सी पहल है, और पीठ पूरी मतलब भरी हुई है सामानों से इनकी,
तो क्या क्या है जरा सा वो बताएं जी। तो इसमें हमारे कुछ ठंडी के कपड़े हैं, क्योंकि हम जस्ट हरिद्वार क्रॉस करेंगे तो हमें ठंडी की फीलिंग आएगी, और अभी हम यूपी में हैं तो काफी ज्यादा हीटिंग है, आपके सामने देख रहे हो माथे पे पसीना चल रहा है, लेकिन जब हम हरिद्वार क्रॉस करेंगे तो वहाँ पे ठंडी का माहौल होता है, तो इसलिए हमने जैकेट रखा है, स्वेटर रखा है, और बाकी अपना कंबल है, और ये मैट है, बाकी ये अपना टेंट है, ऐसे ही है बस, जरूरत के कुछ चीजें जगह मिली, टेंट लगा लिया, रात बिता ली जी। बहुत ऐसे जंगलों में हम लोगों ने नाइट स्टे किया है काफी दिनों तक, क्योंकि सिटी को छोड़ के 200-300 किलोमीटर जो बीच का डिस्टेंस होता है एक सिटी से दूसरे सिटी का, वो बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि सभी ऑन रोड पे ज्यादातर हाईवे होता है, तो वहाँ पे छोटी मोटी दुकानें नहीं मिलती, मिलेगा तो ढाबा मिलेगा, वो भी काफी ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस पे मिलेगा, नियर बाई सिटी के मिलेगा, तो इसलिए और सबसे ज्यादा कठिन दौर क्या होता है जब आप यात्रा करते हैं, तो सबसे ज्यादा मुश्किल समय कौन सा लगता है आपको जी? क्या दिन रात लगातार चलते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है? हाँ, ये बात भी आपकी सही, क्योंकि हमने बहुत सारे ऐसे लोकेशन होते हैं जहाँ पे हम रात को रुक नहीं सकते, तो वहाँ पे हमको नाइट में भी चलना पड़ता है। जस्ट रिसेंटली हमने अभी जब आसाम से किया तो हमने वेस्ट बंगाल में 3 दिन डे और नाइट कंटिन्यू चले हम। अच्छा। बस 1 आवर्स लगभग हमने थोड़ा बहुत कहीं जहाँ पे जगह मिली वहाँ रेस्ट करते रहे। और उसके बाद जैसे कि माहौल थोड़ा सा आपसी रंजिश की वजह से, आप जानते हो आज का माहौल कैसा लग रहा है, तो भी वहाँ भी नहीं रुकते हैं। और लोगों का तो मिलते रहते हैं, अच्छे बुरे लोग तो मिलते रहते हैं, वो बहुत ही ज्यादा दिक्कत जब होती है जब लोगों का सपोर्ट भी नहीं मिलता है, और उसके बावजूद लोगों का रिएक्शन थोड़ा गलत होता है कि आप इस उम्र में यहाँ से निकलो फिर जल्दी ना। जी जी, तो वहाँ पे हमको रात को भी चलना पड़ता है। अच्छा, कुछ पैसा वैसा भी लेकर के निकलते हैं कि भाई चलो मान लो कहीं तबीयत खराब होती है, कुछ दवा लेनी है, 2-4 रुपया की टैबलेट लेना है, तो वो सर अभी थोड़ा बहुत तो 1500 तो लेके चलना ही पड़ता है, क्योंकि वो अपना पर्सनल कहीं भी। अभी मैंने आपका एक वीडियो देखा था जिसमें आप आसाम से अयोध्या जो चले थे 700 रुपए लेकर के चले थे, वो 700 रुपए उस टाइम 1000 रुपए थे हमारे पास गुवाहाटी के टाइम पे, और 300 रुपए हमारे मतलब ऑटो करके जहाँ से मैंने यात्रा शुरू किया था लखीमपुर नॉर्थ से। अच्छा। तो वहाँ तक कन्वेंस किया था, वो लग गए थे, उसके बाद मेरे 700 रुपए इट इज रखे हुए थे अयोध्या तक, क्योंकि लोगों का सपोर्ट आसाम में, तो मैंने 21 स्टेट कवर किया जिसमें आसाम इज द वेरी बेस्ट, बहुत बढ़िया, वेरी सपोर्टिव, वेरी हेल्पफुल लोग, और वेरी हॉनेस्टी, बहुत ही ईमानदार लोग और बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल लोग थे वहाँ पे, तो ऐसा लगा कि ये तो मेरे ही घर है, मेरा गांव है, ऐसा लगा नहीं कि मैं आसाम में हूँ, अपने यहाँ से 2000-2500 किलोमीटर दूरी पे हूँ। अच्छा, आपसे भी जरा सा हम बात कर लेते हैं, ये थोड़ा सा क्या नाम है भैया, थोड़ा अपने बारे में आप भी बताइए, क्या नाम है आपका? नमस्कार, जय श्री राम, मेरा नाम है नितिन दास और मैं आसाम नॉर्थ लखीमपुर का रहने वाला हूँ। जैसे कि भाई ने बताया, हमने 21 स्टेट एक साथ साइकिलिंग किया, कि हमारा साइकिलिंग करने का मोटिव ये रहता था कि आजकल के जो युवा जनरेशन है बाइक खरीद के वो बहुत गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि भाई ने बताया था कि हमने आसाम से राम मंदिर का एक पैदल यात्रा शुरू किया था, तो उसको हमने ट्रेंडिंग बनाने के लिए बहुत जल्दी यात्रा चालू कर दिया था, लगभग उसमें हमारे सोशल मीडिया पे 120 मिलियन व्यू गए थे, तो उससे बहुत लोग जागृत हो गए, बहुत महिला भी थे, बहुत जेंट्स भी थे जो कि पैदल यात्रा करके आए, सैकड़ों लोग, तो ये हमें काफ़ी अच्छा लगा कि हमारे थ्रू कुछ अच्छा काम हो रहा है। और जैसे कि भाई ने बताया, हमारा एक मोटिव भी था सेव इन्वायरमेंट का, जिस भी NGO में हम जाते थे, जिस भी स्टेट में जाते थे और जिस भी सिटी में जाते थे, वहाँ के जो लोकल मीडिया वाले होते थे उनके साथ हम बातचीत करके, या तो NGO होते थे उनके साथ बात डिस्कस करके हम अपना जो मोटिव है उसके बारे में डिस्कस करते थे, ताकि लोगों तक पहुंच सके आपकी बात। ठीक है, एज क्या होगी अभी आपकी? मेरा एज है 20। 20 साल, तो 20 साल में इतना बड़ा काम क्यों भाई, कैसे? बस काम तो देखो कोई भी कर सकता है, वो छोटा उम्र हो या तो बड़ा हो, काम के लिए कोई उम्र नहीं होती है, बस वो अपनी सोच के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि भाई ने बताया कि घर वालों को बताना पड़ता है, उनके ऊपर एक भरोसा जताना पड़ता है कि हाँ मम्मी पापा मैं ये कर सकता हूँ। मैंने आज से लगभग 1 साल पहले एक यात्रा शुरू किया था असम से, मतलब असम लखीमपुर से कामाख्या मंदिर तक का, तो उसमें मम्मी को पता चल गया था कि नहीं बेटा कर सकते हैं, तो उसके बाद मैंने केदारनाथ किया भाई के साथ, फिर ऐसे यात्रा अपना कंटिन्यू है। बिल्कुल, तो मतलब अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आपको ये साबित करना पड़ेगा कि आप में वो दम है, चाहे परिवार वालों के सामने या फिर समाज के सामने, आपको ये साबित तो करना ही पड़ेगा।
तो भाई हमारी टीम की तरफ से तो आपको बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप इतने बड़े मिशन के लिए निकले हैं और वो सक्सेस हो, अच्छे से आप यात्रा पूरी करें, चार धाम की यात्रा करके आए। ईश्वर से थोड़ा पूरे समाज के साथ साथ हम लोगों के लिए भी दुआ प्रार्थना करिएगा ताकि सब स्वस्थ रहे, मस्त रहे। हमारे भारत वर्ष के जितने भी लोग हैं, हमारे भोलेनाथ उन सभी की मनोकामना पूरी करें और अच्छे से रखें, सब लोग अपना खाते पीते एंजॉय करते रहें। बस ये है कि थोड़ा टाइम निकाल के आप आपके आसपास मंदिर हो या कहीं भी हो तो आप भगवान से जरूर जुड़े। जय श्री राम, हर हर महादेव। धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू।